अली के लिए ये शेयर कहना चाहूँगा कि किसी के कुर्ब ने इतना वकार तो बख्शा कि आज अपने लहजे से हम बेहुनर को नहीं लगते। रात मैंने एक वीडियो देखी सर, और उस वीडियो से मैं समझता हूँ कि सर मैंने 3 एम्स तो आई थिंक ग्रैंड टेस्ट से जो बिल्कुल जो एग्जैक्ट आए हुए थे वो ऑलमोस्ट 20 या 15 होंगे सर। और इसके अलावा जो रिलेटेड थे, मतलब डेटा चेंज किया होता है या आइडिया थोड़ा चेंज किया होता है, वो बहुत ज़्यादा थे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू ETEA माय पॉकेट। आज टेस्ट हो गए होगा, आप सब लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए होंगे। जैसे रात को मैंने बताया था, टेस्ट विल बी वेरी इजी इंशाल्लाह, एंड द टेस्ट वाज वेरी इजी। तो चलो जानते हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं कि वो क्या कहते हैं टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले जीशान से पूछते हैं कि जीशान क्या कहते हैं आपके आज के टेस्ट के बारे में। आप टेस्ट तो बहुत ईजी था, कुछ भी आउट ऑफ कोर्स नहीं था। लड़के कह रहे थे मतलब आउट ऑफ कोर्स आएगा, ये होगा वो होगा, टेस्ट डिफिकल्ट होगा, इस बार मेरिट हाई होगा। सबसे पहले अगर देखें तो बायो जो थी, बायो तो सबसे ईजी थी, मतलब जो मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था वो बायो के लिए कर रहा था, और जो सबसे ज़्यादा दिल का रहा था वो भी बायो के लिए कर रहा था। मतलब मैंने कहा बायो सबसे मुश्किल होगी, लेकिन जो है तो बायो सबसे ईजी थी। और जैसे ही पहले दिन मैं आया था तो मैंने सर नियाज से अपना ये प्रॉब्लम डिस्कस किया था कि मुझे बायो नहीं आती, मतलब रट्टा नहीं लगता। उन्होंने कहा हुआ था कि आपको बायो से भी मोहब्बत हो जाएगी, मुझसे भी हो जाएगी। तो आज सर नियाज से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर आपसे तो पहले से थी, बायो से भी अभी हो गई है इंशाल्लाह। इसके बाद अगर फिज़िक्स देखें, फिज़िक्स कंपेरेटिवली ईजी थी एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री। फिज़िक्स मेरे लिए बहुत ईजी थी क्योंकि फिज़िक्स में मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। इसके बाद केमिस्ट्री बहुत ईजी थी, सबसे मतलब जो फार्मूले जो ETEA अली सर ने जो बताए हुए थे वो सबसे ज़्यादा काम आए। अली सर एक खलाई मखलूक है, पता नहीं दिन रात लगे हुए होते हैं, तकती ही नहीं है। केमिस्ट्री में जो कल रात मैंने एक वीडियो देखी सर, और उस वीडियो से मैं समझता हूँ कि सर मैंने 3 MCQs आज हल कर लिए सर। वो एक थी इनऑर्गेनिक वाली वीडियो थी सर, वैसे ही सर आपके चैनल को खोला होता सर तो टाइम पास कर रहा था तो वो सामने आ गई सर। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद सर अगर न्यूक्लियोफाइल वाली मेरी वीडियो से भी प्रश्न आया था। यस सर, वो सल्फर और ऑक्सीजन में से कौन सा स्ट्रांगेस्ट न्यूक्लियोफाइल है सर, वो वाला भी आया हुआ था सर। सर एक बात और स्पेशल जो कहना चाहूँगा कि सर इस बार जो ग्रैंड टेस्ट हुआ था, इसके लिए जब मैं आ रहा था तो मेरा फ्रेंड है, मेरा रूममेट भी है सर, उसामा नवाज, मतलब वो कह रहे थे कि आजकल सेल्फ स्टडी के दिन है, सेल्फ स्टडी करो, टेस्ट वेस्ट छोड़ दो, परसों तेरा पेपर है और टेस्ट ETEA टेस्ट, और आज तू ग्रैंड टेस्ट देने जा रहा है। मैंने कहा नहीं यार, वैसे कुछ ना कुछ वो दे देगा फ़ायदा। आज जब ग्रैंड टेस्ट आया तो आई थिंक ग्रैंड टेस्ट से जो बिल्कुल जो एग्जैक्ट आए हुए थे ग्रैंड टेस्ट और ETEA के बीच वो ऑलमोस्ट 20 या 15 होंगे सर। और इसके अलावा जो रिलेटेड थे, मतलब डेटा चेंज किया होता है या आइडिया थोड़ा चेंज किया होता है, वो बहुत ज़्यादा थे सर। तो ग्रैंड टेस्ट ने हमें बहुत फ़ायदा दिया। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। असल में मुझे बहुत लोगों ने बताया, बल्कि मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए, वो ये थे कि ग्रैंड टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस दे वर सिमिलर। ऐसा है, अब हम पूछते हैं मेरे एक पुराने स्टूडेंट, ही इज़ अ वेरी शायराना टाइप पर्सन, और एक दो शेर भी सुनाएगा शायद अगर वो मूड में है आज, तो उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। जिस वक्त मैं पहली मरतबा इधर सर अली के पास आया तो उस टेस्ट में, यानी कि प्रीवियस रिपीटर सेशन में, मैंने जस्ट 2 या 3 MCQs किए हुए थे। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जब सर अली के साथ क्लासेस ली हैं तो मुझे कुछ न कुछ पता चला है। वो MCQs जो मुझे बिल्कुल, जिसका मुझे आइडिया ही नहीं था, जो कंसेप्ट से क्लियर हो रहे थे बिल्कुल, मीन्स कि पिछले ईयर मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि भाई ये क्वेश्चन है कहाँ से, कौन सा क्लू इसमें लगेगा, कहाँ से मुझे हेल्प मिल सकती है। लेकिन इस साल मैंने जब क्लासेस ली हैं और उसके बाद मैंने ये टेस्ट दिया है, तो आई थिंक कि वो तो डिपेंड करता है कि भाई बाकी मतलब ओवरऑल टेस्ट किस तरह हुआ है। लेकिन केमिस्ट्री की मैं अगर बात करूं तो वाकई केमिस्ट्री अली सर ने पढ़ाई है, और मैंने ऑलमोस्ट 45 MCQs तो मुझे कन्फर्म है ठीक है, बाकी वो तो सुबह ही पता चलेगा। लेकिन जितना भी मैंने किया है कंसेप्ट से किया और अली सर की ट्रिक से किया है। थैंक यू सर। नहीं तो आप क्या कहते हैं कि टेस्ट आसान था कंपैरेटिवली? इसमें अगर सर मैं बात करूं तो इस तरह है कि जो 2018 में पेपर हमने दिया था वो 2016, 15, 14, 13 इससे कुछ सिमिलर था ना। लेकिन इस पेपर में मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन शायद देखा, जो कि पिछले मैंने तकरीबन वो सब पेपर पढ़े हुए हैं प्रीवियस वाले, इसमें सिर्फ मुझे एक या दो क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो कि सिमिलर थे, बाकी सब के सब इस मरतबा पैटर्न, मतलब कि MCQs
میں سر علی کے لیے یہ شعر کہنا چاہوں گا کہ کسی کے قرب نے اتنا وقار تو بخشا کہ آج اپنے لہجے سے ہم بے ہنر تو نہیں لگتے. چلو ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. بائے دی وے اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ واقعی میں آسان تھا. میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا اور سب کا فیڈ بیک یہی تھا. میں حذیفہ سے پوچھنا چاہوں گا جو میرا اسٹوڈنٹ ہے پرانا, ہی از سچ اے نائس گائی, ہی ٹاکس ویری انٹرسٹنگلی. سو اس سے پوچھتے ہیں ٹیسٹ کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں. جی حذیفہ. آسان تھا سر بالکل بھی, مطلب کوئی مشکل نہیں ہوئی. بایو میں فزکس سمجھنے میں مجھے الرجی ہے اور بایو کیمسٹری تو میں ایسے کر لیتا ہوں, اور انگلش بھی اچھی ہوئی ہے تو ٹیسٹ ماشاء اللہ اچھا ہوا ہے. پہلے بھی شاید ایسے ہو گئے لیکن ہمیں نہیں آتے تھے کیونکہ کیمسٹری پڑھی نہیں تھی. آپ سے پڑھی ہے تو اس کے بعد مطلب ہم اچھے ہوئے ہیں کیمسٹری میں اور بایو میں بھی. بایو تو ویسے بھی ماسٹر ہیں. آسان تھا سر, بہت آسان تھا. تو اٹ واز آل اباؤٹ دا ٹیسٹ, کہ ٹیسٹ کمپیریٹولی بہت آسان تھا. اینڈ آئی ایم ڈیم شیور کہ آپ سب نے بہت اچھا ہوگا. وش یو بیسٹ آف لک, ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.